लॉकडाउन के चलते लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अब करनाल पुलिस हाईटेक तरीके अपना रही है। इसी कड़ी में शहर भर में गश्त कर 4 ड्रोन की मदद से गलियों, चौक, चौराहों पर नजर रखी जा रही है। डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस किसी भी प्रकार से लॉकडाउन में कोताही नहीं कर रही है। शहर के विभिन्न स्थानों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जो कोई आदेशों की पालना नहीं करता उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, आदेशों की अवहेलना की है, उन पर मामले दर्ज किए गए हैं। और देखिए, इसमें यही कहना है कि ड्रोन हमारे पास पहले अवेलेबिलिटी थी, एक ड्रोन हमारे पास था, 3 और हमने प्रोक्योर किए हैं। ये शहर को 4 जोन में बांट के वहां पे निगरानी करी जाएगी। ये स्पेशली उन एरियाज के लिए हैं जहां पे लगातार पुलिस गश्त के बावजूद भी और सख्ताई के बावजूद भी कुछ लोग, मैं नहीं कहूंगा मैक्सिमम लोग, अपने घर के अंदर हैं, धन्यवादी हैं हम उनके, और कुछ एक लोग हैं जो नहीं मान रहे, स्पेशली जो अपना बाइकें निकाल के और शाम को निकल लेते हैं और पुलिस के नाके वो कोशिश करते हैं अपना वहां वायलेट करके और देन अपने घर आ सके, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई, एक डिजिटल एविडेंस हमारे पास तैयार हो जाएगा, वीडियो एविडेंस, जिससे उनके खिलाफ हम मुकदमा भी दर्ज कर सकें और उनको नसीहत दे सकें और कागजी कार्रवाई कर सकें, प्लस यदि वो फिर भी नहीं माने तो हिरासत में लेके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकें। ड्रोन कौन कौन से एरिया में चलाए जा रहे हैं? ड्रोन अभी जैसा ये एरिया खड़े हैं, ये रामनगर प्रेमनगर का एरिया है, ये स्पेशली लोकेलिटी बेस्ड है कि जिन एरिया में जो जैसे हमारी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, रात को तो गश्त रहती है, दिन में भी बाइक्स पे जहां गश्त हो सकती है, उन एरियाज में हम अपना ये करेंगे। मैं आपको फॉर रेफरेंस बता दूं, शिव कॉलोनी, शास्त्री कॉलोनी, जो हमारा इसका रामनगर प्रेमनगर वाला एरिया है ये, और शहर की यदि बात करूं तो हांसी चौक, सदर बाजार और डेहा बस्ती, मंगल कॉलोनी और जो अंदर बाजार वाला एरिया जहां से वायलेशन काफ़ी आती हैं। 32-33 थाने की बात करूं तो मैं कुछ सदर का पार्ट है, वसंत विहार वाला, दुर्गा कॉलोनी है, विकास कॉलोनी है और सूरज नगर कटाबाग वाला एरिया वहां रहेगा। इसके अलावा जहां से भी वायलेशन आएगी, 4th ड्रोन हमारा रहेगा, वो कहीं भी हम उसको रेंडम चेक करके और एक्शन ले सकते हैं। कितने लोगों के खिलाफ अब तक मामले दर्ज किए हैं? 144-80 प्लस केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें मेरे ख्याल से 100 प्लस व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं। डेटा हमारा डेली रिवाइव होता रहता है, तो वो अपना इतने केसेस दर्ज हो चुके हैं, आगे भी ये कार्रवाई नहीं रुकेगी, बिकॉज यदि कोई अब भी नहीं समझा तो फिर वो समझेगा नहीं, फिर वो मुकदमे से ही समझेगा। जी, यस, पुलिस लगातार काम कर रही है कि जो भी शराब तस्करी का हो, अपना अवैध शराब बेचने का, और इस समय ब्लैक मार्केटिंग का बड़ा चल रहा है, लोग अवैध शराब को उसमें दे रहा है, जो पब्लिक हमें इन्फॉर्म करती रहती है उस इन्फॉर्मेशन को हम इनकैश करके और मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। जी, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.